मध्य प्रदेश के नेपानगर में शहर का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर राम दरबार मंदिर आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। नगर की जनता ने नेपानगर में नेपा मिल कागज कारखाना बंद हो जाने के बाद से नगर के सुख समृद्धि देश भर में और अमन चैन और शांति के लिए नगर के मातापुर मार्केट में स्थित राम दरबार मंदिर में प्रति मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प लिया था। इस सुंदरकांड पाठ की श्रृंखला को अब 151 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं और इस आयोजन में नगर की जनता जुड़ते जा रही है। नगर का सबसे प्राचीन राम मंदिर है और यहाँ महत्व इसलिए भी कि पूरा राम दरबार है। यहाँ पर राम दरबार के प्रांगण में सुंदरकांड हो रहा है। 151वां सप्ताह है ये और हम चाहते इस माध्यम से और श्रद्धालु जुड़े हमारे साथ में और निरंतर ये चलता रहे, जहाँ हर सप्ताह नगर के गणमान्य लोगों द्वारा यहाँ सुंदरकांड पाठ में अपना योगदान दिया जाता है। हर सप्ताह एक नए व्यक्ति द्वारा यहाँ पर अपने परिवार सहित आकर सुंदरकांड का आयोजन करवाया जाता है। सुंदरकांड समिति का ऐसा मानना भी है कि उनकी यह आस्था है कि जब से राम दरबार में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है तब से नेपा नगर में सुख समृद्धि और नेपा मिल कागज कारखाने का वो पैकेज मिला है। 151वां है कि ये निरंतर चलता रहे। इससे जब से हमने शुरू किया है नगर में सुख समृद्धि चली आ रही है। जब से लगातार नेपा मिल को इससे पैकेज मिला हमने चालू करने के बाद में और बहुत अच्छे अच्छे काम बड़े बड़े हुए हैं। नेपा नगर से डीएनए सुरुपेश सारवान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को हम प्रत्येक जिले में उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारा विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सारे दूसरे विभाग जो कि उपभोक्ता क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कि बैंक, बिजली विभाग, नापतौल, इन सभी को के सहयोग से उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में आयोजन हम लोग करते हैं, हमारा विभाग उसमें करता है। इस वर्ष जो है हमारा नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है, जिसके संबंध में राज्य में विभिन्न जिलों में इसके संबंध में जानकारियां दी गई हैं और विशेष रूप से मैं नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में बताना चाहूँगी कि इसमें उपभोक्ता के हित में काफ़ी अच्छे संशोधन इसमें किए गए हैं और पहले जो जिला फोरम था उसका नाम बदलकर इसको जिला आयोग कर दिया गया है, जिसमें क्षतिपूर्ति की राशि जो पहले 20 लाख रुपए तक थी उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक यदि किसी को क्षतिपूर्ति हेतु वाद दायर करना है तो उसे राज्य आयोग में कर सकता है और साथ ही यदि जिला फोरम या जिला आयोग से यदि असंतुष्ट है उनके फैसले से तो वो सीधे राज्य आयोग में उसकी अपील कर सकता है और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि जो है राज्य आयोग में उसके संबंध में वाद दायर कर सकता है। 10 करोड़ से अधिक यदि राशि के संबंध में उसको वाद दायर करना है तो राष्ट्रीय आयोग में इसमें अपील या फिर उसमें सीधे वाद दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता के हित में हमारे विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसका नंबर है 1800-233-0046। इस नंबर का उपयोग करके किसी भी उपभोक्ता को कोई समाधान किसी उपभोक्ता से संबंधित क्षेत्र में चाहिए है तो उसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं या फिर कोई समस्या हो उसके संबंध में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल खाद्य विभाग से संबंधी कोई शिकायत हो, उपभोक्ता से संबंधी विभिन्न क्षेत्र जैसे कि बिजली, डाक, कुरियर सेवा या फिर अन्य प्रोडक्ट के संबंध में, खरीदी के संबंध में या कोई सलाह प्राप्त करना है इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं।